पूरी कोशिश है, वज़ीर आज़म खुसूसन ये चाहते हैं कि जितनी रिलीफ हम पास कर सकते हैं आवाम को वो हमें मैक्सिमम पास करनी चाहिए, और हम इसी पे अमल करते हुए अभी तक इस क्वार्टर में 1 अक्टूबर से लेकर आज तक इसी पे अमल कर रहे हैं। जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 224.80 रुपये है, उसको 10 रुपये की कमी के साथ आज रात 12 बजे के बाद 214.80 रुपये मुकर्रर की जा रही है। हाई स्पीड डीजल की कीमत जो इस वक्त 235.30 रुपये है, उसमें 7.5 रुपये की कमी के साथ 227.80 रुपये नई कीमत मुकर्रर हुई है। केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, इसकी कीमत आज 181.83 रुपये है, इसमें 10 रुपये की कमी करके 171.83 रुपये की जा रही है। और लाइट डीजल ऑयल जो कि आज 179 रुपये जिसकी कीमत है, इसको 10 रुपये की कमी करके फी लीटर 169 रुपये की जा रही है। इस पूरे क्वार्टर में यानी 1 अक्टूबर से लेके आज तक जो हमने अभी कीमतें अनाउंस की हैं, उसमें टोटल कमी जो की गई है इन 3 महीनों में, पेट्रोल में हमने 1 अक्टूबर को 12.63 रुपये की थी, फिर आज हमने उसमें जो मजीद कमी की है उसमें 22.63 रुपये की कमी से ये जो 30 सितंबर को जो कीमत थी 237.43 रुपये, वो इस 22.63 रुपये की कमी के साथ 214.80 रुपये हुई है। हाई स्पीड डीजल जो था 30 सितंबर को 247.43 रुपये था, उस पर हमने अक्टूबर में 12.13 रुपये की कमी की थी, आज हमने 7.50 रुपये की कमी की है, और ये 19.63 रुपये की कमी के साथ जो आज नई कीमत हुई है वो 247.43 रुपये 30 सितंबर को थी, वो आज 227.80 रुपये पे आ गई है। लाइट डीजल ऑयल ये 30 सितंबर को इसकी कीमत 197.28 रुपये थी, इसमें इन 3 महीनों में 3 दफा कमी की गई। 1 अक्टूबर को 10.78 रुपये, 1 दिसंबर को 7.5 रुपये, और आज फिर 10 रुपये कमी की जा रही है, जिससे टोटल कमी 28.28 रुपये इन 3 दफा जो रिडक्शन की गई है, इसकी नई कीमत 197.28 रुपये से 169 रुपये पे आ गई है। जो मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल है, इसकी कीमत 30 सितंबर को 202.02 रुपये थी, इसमें भी 3 दफा कमी की गई, 1 अक्टूबर को 10.19 रुपये, 1 दिसंबर को 10 रुपये, और आज 15 दिसंबर को फिर दोबारा 10 रुपये। तो इस रुपए इस क्वार्टर में इन 3 महीनों में इस रुपए 30.19 रुपये की कमी के साथ 171.83 रुपये इसकी नई कीमत जो है मुकर्रर हुई है। ये नई कीमतों का इतलाक पेट्रोल 214.80 रुपये, डीजल 227.80 रुपये, मिट्टी का तेल 171.83 रुपये, और लाइट डीजल ऑयल 169 रुपये आज रात 12 बजे के बाद यानी 16 दिसंबर से इस अगले 15 दिन के लिए 31 दिसंबर 2022 तक लागू रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हर मुख्तलिफ न्यूज अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।